पूरा बाजेवल गम गम में है, हमारे पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। एक जो मेरा भतीजा था लाल दादा, ये एडवोकेट था थर्ड ईयर का, ये सामने जो हमारा रिश्तेदार है, उसने 9 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, रात उसने कब्र में अस्पताल में गुजारा। एक दूसरा जो था तीसरा, इसका नाम अलहाज था, वो भी छोटा बच्चा था, 20 साल का बच्चा था, वो बेचारा मजदूरी करता था। हालांकि हमारा इस पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन ये बच्चे थे, किसी ने एक बंदे ने उसके अपने साथ ले गए थे कि आओ यार कोई जलसा मलसा है, वहाँ पे कोई तकरीर सुनेंगे, तो उसी वजह से उसके साथ गए थे। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि अभी तक पख्तूनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये कब तक चलेगा? हमें जो रोज़ बरोज़ हमें शहीद हो रहा किया जा रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे मशरान को, ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? इसको रोकना चाहिए। अगर और हमें ये आप लोग कहते हैं कि नाम के नामालूम है, हमें ये नामालूम बातें छोड़ दे, हमें अपना वो मुजरिम हमें दिखाए, उनको पकड़े, उसको कौम के सामने पेश करे कि ये कौन है, ये क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हैं, हमने हमारा गुनाह क्या है, हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या जुर्म किया है कि आप हमें रोज़ाना मरवा रहे हैं।